दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों ट्रेन में सफर करते समय आप लोगों का सामना किन्नर से जरूर हुआ होगा, जहां किन्नर लोग जबरदस्ती पैसा मांगते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऐसे मत तो इतना क्यों चोके के 10 रुपए किसाना कर दे तो? कई सारे किन्नर तो मोबाइल तक छीन लेते हैं। किसका छीना पता है? भैया के हाथ मेरा तो पहले मेरा। और कुछ किन्नर तो टिकट छीन लेती हैं। अब इन सब चीजों से कैसे बचा जा सकता है, आज के इस वीडियो में मालूम चल जाएगा, इसलिए वीडियो के साथ चिपक कर बैठना। दोस्तों आपने शादी और लड़का होने की खुशी में किन्नरों को नेक मांगते देखा होगा और ये भी जानते होंगे कि अगर उनकी मांग पूरी ना हो तो वे गंदे शब्द भी बोलने लगते हैं। लेकिन किसी खुशी के मौके पर किन्नर का आना और पैसे की मांग करना चल भी जाता है। लेकिन आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा, जहां कई बार ना चाहते हुए भी आपको किसी रोड के किनारे या किसी सिग्नल पर या फिर ट्रेन में किन्नर को पैसे देने पड़े होंगे, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किन्नर हैं। और पैसे ना देने पर वो सबके सामने तमाशा करने लगते हैं। तो चलिए आज प्रजापति न्यूज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो तरीका जिससे आप ट्रेन में किन्नरों को पैसा देने से बच सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करने में कंजूसी मत करना। सबसे पहले एक बात जो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि सभी किन्नर एक जैसे होते हैं। आज के इस दौर में कई किन्नर ऐसे भी हैं जो खुद को अलग मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर हैं और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते। लेकिन ऐसे किन्नर बहुत कम मिलते हैं। हमारा सामना ज्यादातर ट्रेन या सिग्नल पर पैसे मांगने वाले किन्नर से ही होता है। और हमारे बड़े बूढ़ों द्वारा हमेशा यही कहा जाता है कि किन्नर की दुआ और बद्दुआ में बहुत ताकत होती है। अगर किन्नर किसी को बद्दुआ दे देते हैं तो वो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, और इसी भ्रम के चलते हम उन्हें तुरंत पैसे दे देते हैं। और कुछ किन्नर इसका गलत फायदा उठाते हैं और उनकी मांग बढ़ती जाती है, और फिर अगर कोई उन्हें पैसे न दे तो वो चिढ़ जाते हैं और उस आदमी के साथ जोर जबरदस्ती गाली गलौच और कई बार तो हाथापाई तक करने लगते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो दोस्तों अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, या फिर क्या आप पहले से जानते हैं कि अगर कोई किन्नर आपको किसी ट्रेन या रोड पर मिले और आपसे जबरदस्ती पैसे मांगे या परेशान करे तो आपको क्या करना चाहिए, या उन्हें पैसे लेने से रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर नहीं पता तो चलिए आज इस वीडियो के जरिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर किसी सिग्नल पर या रोड पर कोई किन्नर आपसे जबरदस्ती पैसे मांगे और आपके मना करने पर अगर वो आपको परेशान करे या आपके साथ हाथापाई करे तो आप इसकी शिकायत तुरंत आसपास के पुलिस से करें, और आप हाथ उठाने पर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 352 और धारा 323 के तहत FIR भी करवा सकते हैं। और अब बात करते हैं ट्रेन की, जहां किन्नरों का मिलना और पैसों की मांग करना बहुत आम बात है। ऐसे में आपको RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को शिकायत करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसेंजर एरिया और रेलवे की प्रॉपर्टी को सेफ रखना RPF का काम है, और वो उस किन्नर को अरेस्ट करेंगे, क्योंकि RPF एक्ट 1957 की धारा 11 में प्रावधान है कि वो रेलवे प्रॉपर्टी और पैसेंजर की सिक्योरिटी सुनिश्चित करेंगे। और इन दोनों के अलावा भी आप अखिल भारतीय मंगलामुखी जन कल्याण समिति के पब्लिक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। आपके शिकायत करते उनकी टीम तुरंत मौके पर आएगी और आपके साथ उचित न्याय करेगी। हालांकि आप सभी ऐसा करके उस समय खुद को सुरक्षित कर लेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये इसका स्थायी समाधान है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये कोई स्थिर समाधान नहीं है। इसके स्थिर समाधान के लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर किन्नरों को क्यों लोगों से पैसे मांगने पड़ते हैं। वेल, आपको ये बात बुरी जरूर लग सकती है, पर ये सच्चाई है कि किन्नरों को पैसा मांगने के लिए विवश हमारे समाज ने और कहीं ना कहीं स्वयं हमने किया है। क्योंकि भले ही हम आज खुद को शिक्षित कहें, लेकिन किसी थर्ड जेंडर को देखते ही हम उन्हें सबसे पहले अलग इंसान मानने लगते। साथ ही भेदभाव और गलत जानकारियों ने हमें और उन्हें अलग कर दिया है। यहाँ तक कि 2014 के पहले तो उन्हें समाज में कोई मान्यता ही प्राप्त नहीं थी, जिस कारण उन्हें हम एक इंसान के नजरिए से तो कभी देखते ही नहीं थे। इन्हीं सब सामाजिक गलतियों के कारण ज्यादातर किन्नर ना आसानी से शिक्षा ले पाते हैं और ना ही कोई व्यापार कर पाते हैं, और जब इनके पास ना व्यापार होगा ना ही कोई रोजगार, तब ऐसे में पेट भरने के लिए इनके पास पैसे मांगने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं बचता। और अगर इन्हें ऐसा करने से रोकना है
तो इनको जागरूक करना और इनका मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है। साथ ही इनके अंदर छुपे हुनर को निकालकर उसे आजीविका का साधन बनाया जा सकता है, जिससे ये किन्नर भी जीने के लिए सम्मान और पेट भरने का साधन बना सकते हैं। उम्मीद है जिस प्रकार अमेरिका और यूरोपीय देशों में किन्नरों को इज्जत मिलती है, ठीक ऐसी ही इज्जत एक दिन उन्हें हमारे भारत में भी मिलेगी। खैर, इन सब में समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर हम सभी आज से ये मुहिम चालू कर देते हैं तब हमें बिना किसी पुलिस एक्शन के इस दिक्कत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते वीडियो को शेयर और हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब कर देना। और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।